हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जैन और आप देख रहे हैं जैनरा चैनल। अगर आप देखना चाहते हैं फ़ोटो वोज, अगर आप सीखना चाहते हैं फ़ोटोशॉप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ये देखें, मेरे पास एक पैराग्राफ है जो कि मैंने किसी वेब से कॉपी किया है और मैं आज आपको बताता हूँ कि ये मैंने कैसे यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। सबसे पहले हम इस लेयर को डिलीट कर देते हैं और गूगल ओपन करते हैं ये पैरा, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेते हैं और टेक्स्ट का टूल उठाते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। जब आप यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे क्लिक करके ऐसे लाइनें बनानी शुरू कर देते हैं। ये पता नहीं कितना बड़ा पैराग्राफ होने वाला है, ऐसे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा आपका। ये देखिए, इससे भी आपको आसान तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है। ये राइट क्लिक करके यहाँ पर ये लिखा हुआ है कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है। ये देखें, इस पर साइड पर लाइनें आ गई हैं, इससे आप इसको पैरा की शक्ल में बदल सकते हैं। ये देखें कितनी आसानी से और जल्दी पैराग्राफ में तब्दील हो गया। ये देखें, इससे बहुत ही जल्दी और थोड़ा टाइम लगा इसको कॉपी और पेस्ट करने में। इससे भी एक और आसान तरीका है, इसे दोबारा डिलीट कर देते हैं। आप दोबारा ये ब्लॉक बड़ा कर देंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये देखें, फिर दोबारा वही पैराग्राफ की शक्ल में पेस्ट हो गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।